जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जनसहभागिता मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। पुलिस लाइन से निकलकर पुलिसकर्मी जनसंवाद के लिए पहुंचे सभी वार्ड स्व प्रखंडों में हरी झंडी दिखाकर डीआईजी व एसएसपी ने रैली को किया रवाना। संपर्क से समर्पण की भावना लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है, उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। इसी बाबत आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर डीआईजी विवेकानंद एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विवेकानंद ने कहा, यह कार्यक्रम बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेशानुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। बिहार के डीजीपी ने ऐसे कार्यक्रम को पुलिस दिवस को लेकर आमजन तक पहुंचने की कवायद की। वहीं इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। आज के इस मोटरसाइकिल रैली में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष, सीआईटी की टीम, बजरा व दंगा टीम मौजूद थे। किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद शुरू किया गया है। सर, बिहार पुलिस में और किस तरह कार्यक्रम का आयोजन होना है? इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे। ठीक है।